الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों, दरसे क़ुरान मजीद में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आप सभी को अच्छा रखे, हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर रखे, दुनिया और आखिरत दोनों में खुशहाल रखे। चलिए बताइए कि दरसे कुरान में आज कौन सी सूरा स्टार्ट होने वाली है? सूरा फुरकान। तो सब लोग वाकिफ़ हैं, तो बग़ैर किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करेंगे। सूरा फुरकान से पहले हम लोगों ने कौन सी सूरा तफसील में जानी है? सूरा नूर। सूरा नूर मक्की सूरा है कि मदनी सूरा? सूरा नूर के बारे में पूछ रहे हैं, मदनी है कि मक्की? मदनी सूरा है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। बहरहाल, तो सूरा नूर एक तवील सिलसिले मक्की सूरतों के बाद सूरा नूर एक मदनी सूरा है। 14 सूरतें सूरा यूनुस से लेके सूरा मुमिनून तक 14 मक्की सूरतों के बाद एक सूरा आई मदनी, वो थी सूरा नूर। और उसकी अगली सूरा सूरा फुरकान है, जो आप आज हम लोग तफसील से जानेंगे। ये फिर से मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू कर रही है। सूरा नंबर 25 है, यहाँ से लेकर सूरा सजदा सूरा नंबर 32 तक फिर मक्की सूरतें, 8 मक्की सूरतें हैं। और उसके बाद सूरा नंबर 33 सूरा अहज़ाब मदनी सूरा है। तो ये बीच में जो 8 सूरतें हैं वो सब मक्की हैं, और उससे पहले जो सूरा है वो सूरा नूर है, और मक्की सूरा के लास्ट वाली के बाद जो सूरा है वो सूरा अहज़ाब है। और दोनों सूरा आप जानते हैं कितनी मुमासिलत रखती हैं कई एस्पेक्ट से। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सूरा फुरकान, और मक्की सूरतों का सिलसिला अब काफ़ी दिन तक चलता रहेगा, 8 सूरतों तक चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो सूरा है, ये अगर इसके इस सूरा में पूरा 25 नंबर की सूरा है मुसहफ में, और इसमें 6 रुकू हैं और 77 आयात हैं, 77 आयात। और अगर इसका नाम के बारे में तफसील जाने कि इसका नाम सूरा फुरकान क्यों कर जाना जाता है, तो ये टेकन है आय नंबर 1 इटसेल्फ से, तबारक लजी नज़ल अल फुरकान, यहाँ से ही टेकन है। कुछ सूरतों के नाम उस सूरा का मरकज़ी मज़मून होते हैं, और कुछ सूरतों के नाम सिर्फ वो लफ्ज़ कहीं पर आया हुआ होता है वहाँ से टेकन होते हैं। तो ये सूरा बेसिकली ये पहली आयत में ये लफ्ज़ आया है फुरकान, इस वजह से इसका सिंबल बन गया है और इसका नाम है सूरा फुरकान। हालांकि अगर कोई ये कहे या समझे कि ये सूरा एक्चुअली इसमें ये फुरकान अपने माना के साथ ये इसके सूरा का मज़मून भी है, तो इसमें भी कोई एतराज़ की बात नहीं है। ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सूरा अपने आप में फुरकान है, जिस तरह से ये इसके डिस्कशंस आते हैं। जहाँ तक इसके ज़माने नुज़ूल की बात है, तो ये मक्की सूरा है, मक्का का दौरे मुतवस्सित इसका ज़माना है। तो ये जो दौरे मुतवस्सित जो मक्का का है, वो इस कुरान में भी ये
तमाम सूरतें एकदम दरमियान में आ रही हैं, दरमियान कुरान में, तो इसके आगे की भी सूरतें इसी नेचर की होंगी, और यानी कि वो नाजिल हुई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्कन पीरियड के मिडल में, ठीक है। और जहाँ तक इसके मौजू और मज़मून की बात है, तो इस सूरा का उमूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और कुरान मजीद की हक्कानियत को वाज़े करना, यानी इसका एड्रेस मेन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दे रही है, और कुरान मजीद को जो अल्लाह की तरफ से नहीं मान रहे हैं उसका जवाब दे रही है, और बाकी जो उससे भी बिल्कुल एक्सेस का पूछा जाए तो इसकी एक्सेस रहेगी तौहीद, तौहीद के ऊपर ये सूरा पूरी फ्लो कर रही है। तो बस इतनी तमहीद के बाद आयत नंबर 1 से तफसील से जानते हैं इंशाल्लाह। तो आयत नंबर 1 ऑफ सूरह फुरकान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ला अल-फ़ुरक़ाना अला अब्दिही, बड़ी बाबरकत है वो हस्ती जिसने अल-फ़ुरक़ान नाजिल फरमाया अपने बंदे पर, लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा, ताकि वो हो तमाम जहां वालों के लिए खबरदार करने वाला। अब ये सूरा शुरू हो रही है अल्लाह सुभाने व तआला की ज़ात के बरकत को ज़ाहिर करते हुए, तबारक अल्लज़ी, तबारक जो वर्ड आया है ये और भी कई जगहों पर आता रहेगा। ये सूरा ऐसी है सूरा फुरकान सिलसिले में जो यहाँ से शुरू हो रही है, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान, और उसके बाद की जो सात सूरतें आएंगी वो हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होंगी। तो यहाँ पर तबारक से शुरू हो रही है, तबारक वर्ड की अगर एनालिसिस करें तो इसका जो रूट लेटर्स हम फाइंड करेंगे वो है बा, रा और काफ, ठीक है। तो ये इसका जो बा, रा और काफ है, इसका जो रूट लेटर्स हैं हुरूफ असलिया हैं, तो वो मजदर में जाके एक बरका बनेंगे और बुरूक भी बनेगा, ठीक है। तो बरका अगर माना जाए तो यानी मजदर बरकतुन माना जाए तो इसका माना होगा कि कसरत, ज़्यादती, इंक्रीज, प्लेंटीफुलनेस, ज़्यादा होना किसी चीज़ का, ठीक है। और अगर बुरूक उसका मजदर माना जाए तो इसका मतलब होगा बका, कयाम, दवाम, हमेशगी, एटर्निटी, ये माना होगा। और फिर ये जो तबारक बना है ये सुलासी मुजर्रद के नहीं बल्कि सुलासी मजीद फी के बाबे तफ़ाउल से है, और बाबे तफ़ाउल में जो खसूसियात आती हैं वो आती हैं मुबालगा की और इजहार कमाल की। तो अगर ये सारी चीज़ एक साथ जमा कर लिया जाए तब जाके तबारक लफ्ज़ का माना अदा होगा। यानी कोई एक वर्ड तो क्या, एक फिक्रे में भी इसका माना अदा नहीं हो सकता, इतनी सारी चीज़ बोलनी पड़ेगी कि वो ज़ात नहायत खैर से सब के सब खैर को समेटे हुए है, और वो ऐसी अहसन ज़ात है जो जिसके अंदर दवाम है, पायदारी है, और उसकी उसके खैर में दवाम है और पायदारी है, और वो अपने अटमोस्ट पोजीशन पर है, यानी इन सभी खैर और भलाई में अटमोस्ट पोजीशन पर है, यानी इसमें मुबालगा और इजहार कमाल जब शामिल कर लेंगे तो इतने सारे जुमले बोलने पड़ेंगे सिर्फ लफ्ज़ तबारक को, या जिसको मुबारक कहते हैं तबारक, मुबारक, इतने सारे माना और मफाहीम अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि वो ज़ात बहुत ही मुबारक है। हम लोग बस मुबारक कह देते हैं लेकिन उसके अंदर इतनी गहराई होती है, बहुत छोटे में आप समझें तो समझ लीजिए कुल के कुल खैर का मंबा और सरचश्मा, जहाँ से हर खैर फूटती हो और उसमें दवाम और पायदारी भी हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बाबरकत है जिसने अपने बंदे के ऊपर फुरकान नाजिल किया,
यहाँ पे नज़ला आया है, नज़ला हाँ का जो मस्दर आएगा वो तंजीलन आएगा। तंजील का माना होता है किसी चीज़ को उतरना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उतरना, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने अपने बंदे पर क़ुरान को नाजिल किया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है ना, धीरे 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 आया, एक बार में तो आया नहीं है कि पूरी वही एक बार में डिलीवर कर दी गई, वैसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अनज़ला नहीं आया है, नज़ला आया है, तो इंज़ाल नहीं आया है, तंजील वाला मस्दर वाला वर्ड्स आया है। और अलफुर्कान आया लफ्ज़, अलफुर्कान जो लफ्ज़ है, जैसे तो मोटे तौर पे आप सभी इसका माना जानते होंगे, फुर्कान माना क्या होता है, बिल्कुल सही, हक और बातिल को जुदा करने वाला, फ़र्क करने वाला, ठीक है। लेकिन ये फुर्कान चूँकि मस्दर है तो इसलिए इस ये तो या बामाना फारिक होगा फ़ाइलुन के वज़न पर फारिकुन, या तो बमाना मफरूक होगा यानी मफ़ूल के वज़न पर, यानी जब अगर इसको फ़ाइल मानेंगे तो इसका माना क्या आएगा कि ये फ़र्क करने वाला है, हक और बातिल में, हिदायत और दलालत में, सही और गलत में, हलाल और हराम में, बुरे में और अच्छे में फ़र्क करने वाला है ये क़ुरान। अगर इसको मफ़ूल के वज़न पर माने यानी कि मफ़रूक के हिसाब में माने तो मफ़रूक का भी माना देता है, यानी उसके अंदर फ़र्क हैं। सब तरह तरह की आयात बहुत अलग अलग और वाज़ेह है ना, एकदम मिंगल तो नहीं है कि समझने में दुश्वारी हो, ईमानियात की बातें मुख्तलिफ हैं, हिदायत और तफ़ीम भी है, हलाल और हराम भी है, शरीयत भी है, सब कुछ है। तो सब चीज़ अलहदा अलहदा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड क़ुरान के अंदर हैं, तो ये इस अपने अंदर भी ये जुदा जुदा है, फ़र्क फ़र्क है। तो ये मफ़ूल के हिसाब में भी आएगा, और अगर इसको फुर्कान मस्दर की मीनिंग लेंगे तो उसमें मुबालगा भी पाया जाएगा कि ये क़ुरान मजीद एटमोस्ट कंडीशन में बहुत हाई लेवल पर हक और बातिल और को जुदा कर देने वाला है, और इसकी आयात इतनी क्लियर हैं, अब इतनी अलग अलग अलाहिदा और वाज़े हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती। अल्लाह आबदही अपने बंदे पर, जब अल्लाह सुबहानहु व तआला को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारा प्यार निछावर करना होता है ना, तब ये अंदाज़ आता है अल्लाह अब्दी ही अपने बंदे के ऊपर अब्द। तो अल्लाह ताला नहायत मोहब्बत और शफ़क़त के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तस्किरा कर रहे हैं कि उस बाबरकत ज़ात ने अपने बंदे पर ये अलफुर्कान नाजिल किया है, अपने बंदे पर, मोहम्मद पर नहीं, रसूलुल्लाह पर नहीं, ये अल्फाज भी हैं लेकिन जो मोहब्बत में डूबा हुआ अंदाज है वो है बंदे और माबूद वाला रिश्ते का अंदाज। तो यहाँ पे अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अल्लाह अब्द ही कहा है, और इसके अलावा ये अंदाज़ दो जगह और है, जल्दी जल्दी बताइए कहाँ पर है, सूरा काहफ और बस उसी के बगल वाली सूरा, जल्दी बताइए, बिल्कुल सूरा इसरा। ये दो सूरतों में आप देखते हैं ना, अब वो सूरा इसरा में आप देखते हैं बनी इसराइल में सुबहान अल्लज़ी असरा बी अब्दिही ना, और सूरा काहफ कहाँ से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही किताब ना, तो अला अब्दी, तो अब्द ये वाला जो प्यार भरा अंदाज है वो दो सूरतों के अलावा तीसरी जगह पर यहाँ आया। इतने प्यार से अल्लाह सुबहानहू व तआला बहुत ही शफ़क़त के साथ और बहुत जैसे अपने नबी का बहुत नाज उठाते हुए यहाँ पर फरमा रहे कि अपने बंदे पर उसने फुर्कान उतारा है। किस लिए उतारा है, यहाँ पे वाज़े कर दिया गया लाम के सिले के साथ, लियकून लिलआलमीना नदीरा, ताकि वो तमाम जहाँ वालों के लिए ख़बरदार करने वाला बन जाए, नज़ीर बन जाए। तो जो ये नज़ीर बनना है ये
विदाउट एनी डाउट ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है, क्योंकि और भी जगह कई जगहों पर कुरान हकीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत बयान हुई है। तो इसमें कोई मसला ही नहीं है कि ये सिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समझी जाए। लेकिन अगर ये सिफत कुरान की तरफ भी पलटे, फुरकान जो लफ्ज़ आया है यहाँ पर, फुरकान के लिए भी नज़ीर आए, तो तब भी सूट करती है। कुरान मजीद भी नज़ीर है, नज़ीर माना खबरदार करने वाला, वार्नर, ठीक है। एक बशीर सिफत आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी हैं, और एक नज़ीर सिफत आती है कि वार्नर है, बशीर माना ग्लैड टाइडिंग देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, और नज़ीर माना खबरदार करने वाला, वार्न करने वाला। तो ये दोनों खसूसियात न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है बल्कि कुरान मजीद की भी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे ये इसलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद को नाजिल किया ताकि वो तमाम जहानों को, जहाँ वालों को खबरदार करने वाला बन जाए, खसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर कुरान मजीद भी। तो यहाँ पे एक बात और काबिल गौर है, लिल आलमीन नदीरा कहा गया है ना, कि तमाम जहाँ वालों को खबरदार करने वाला, यानी हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आए, एक पर्टिकुलर नेशन के लिए नहीं आए, बल्कि सारी दुनिया, सारे इंसानों के लिए आए। ये बात और ज़्यादा वजाहत के साथ कुरान मजीद में कई जगहों पर है, जैसे कि सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, है नबी हमने आपको नहीं भेजा मगर सिर्फ रहमत बनाकर तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए। और उसके अलावा सूरह सबा सूरह नंबर 34 में वाज़े है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको भेजा तमाम जानों के लिए, कुल के कुल इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं आए, अहले अरब के लिए नहीं आए, सिर्फ गोरों के लिए नहीं आए, सिर्फ कालों के लिए नहीं आए, सिर्फ अरबी बोलने वालों के लिए नहीं आए, सिर्फ अजमी बोलने वालों के लिए नहीं आए, सिर्फ पर्टिकुलर पीस ऑफ द लैंड पे नहीं आए, बल्कि सारी दुनिया के लिए आए, जो कि गोरे हो, काले हों, चाहे अरबी बोलते हों, चाहे कोई दुनिया की ज़ुबान बोलते हों, और चाहे किस भी ज्योग्राफी से उनका ताल्लुक़ हो, सब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। लिहाजा ये अब हमारा और आपका फ़र्ज़ है माय बिलवर्ड सिस्टर्स कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए पैगाम को, कुरान मजीद को और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दूसरों तक भी पहुँचाएँ ना, उनको तो भी तो जानने दें, उन पर भी तो हक़ बन, उनका भी तो हक़ बनता है जो गैर कौमें हैं, उन तक पहुँचाना हमारा और आपका काम है। आयत नंबर 2 है, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वो हस्ती जिसके लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, फलम यत्तखिद वलदम वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और जिसने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया और ना ही उसका कोई शरीक है हुकूमत और इख्तियारात में, वखलक कुल शयइन फकद्दरहु तकदीरा, और उसी ने हर शय को पैदा किया और फिर उसके लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर किया। अब अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि ये जो अल्लाह सुब्हान तआला की हस्ती है ना, वो आसमान और ज़मीन की मिल्कियत उसी की है। अभी मुशरिकीन के एतराज़ात आने वाले हैं ना, उससे पहले बताया जा रहा है, तुमने समझ क्या लिया? हाँ, तुम ये कुरान के मुताल्लिक के ऊपर शक करते हो, तरह तरह की फप्तियाँ कसते हो, तरह तरह की चीज़ कहते हो, हमारे नबी पर शक करते हो और बहुत सारे बहुतान लगा दे, तुमने समझा क्या है ये कुरान कहाँ के कहाँ से आया है? ये वो हस्ती ने, उस हस्ती ने भेजा है जो ज़मीन और आसमान हर चीज़ की बादशाही जिसके हाथ में है, यानी वो अकेला है। यहाँ से तौहीद का पैगाम शुरू हो गया कि वो अकेला है रूल करने वाला, सारी बादशाही उसकी है, और ज़मीन की भी और आसमानों की भी। और फरमाया जिसने कोई औलाद नहीं बनाई, यानी तुमने क्या मतलब अल्लाह ताला को, हाँ, खालिक और मखलूक को बराबर बना दिया, तुमने इंसानों के
दो हाथ देखे, दो पैर देखे और एक सर देखा, दो आंखें धसी हुई देखी, वैसे ही तुमने मखलूक में से किसी को अपने हाथ से बना दिया, या तो तुमने इंसानी बशरी कमजोरियों को देखा कि इंसान जो है जब भी वो औलाद चाहता रहता है तो किस लिए चाहता रहता है? अपने नस्ल की बका के लिए, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए, मिट ना जाने के लिए, या अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए? तो इसलिए वो औलाद को पसंद करता है कि उसकी औलाद हो, नहीं होती तो वो जो एक बेटा एक अडॉप्ट कर लेता है, एक बच्चा ले लेता है। तो ये मजबूरियाँ और ये कमज़ोरियाँ इंसान की हैं, तुमने इसको एसोसिएट कर दिया अल्लाह ताला के साथ भी कि माज़ाल्लाह अल्लाह ताला का नाम यहाँ से गायब हो जाएगा, जो उसको अपना बेटा बनाने की ज़रूरत है किसी को। कुछ तो मतलब सितम बालाए सितम करते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम को कह देते हैं मसीही कि वो अल्लाह का जना हुआ बेटा है, ही इज़ बिगॉटन सन ऑफ गॉड। हाँ, और कुछ फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कह देते हैं मुश्रिकीन। तो कभी कोई को शो कर दे रहे हैं अडॉप्ट किया अल्लाह ताला ने, और कोई को माशाल्लाह इतना बड़ा शिरक फिजात कर देते हैं कि अल्लाह का जना हुआ बेटा है कोई, माशाल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला इन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। तुमने जैसा अपने को पाया वैसे ही अल्लाह ताला के बारे में तसव्वुर कर लिया, खुदा के बारे में ऐसा तसव्वुर तुमने कर लिया कि उसकी कोई औलाद है नहीं, वो तो अपने हुकूमत में, इख्तियारात में, हुकूक़ में, सब में यकता है। उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया अपनी इन क्वालिटीज़ को, यानी हाकिम वो है और हुक्म उसका चलता है पूरी कायनात में, आलम खल्क में, आलम अम्र में, हर जगह उसका हुक्म चलता है। तो वो उसी को ये बात जेब देती है कि उसको ही खालिक माना जाए और उसको ही मालिक माना जाए। सरवरी जेबा फ़कत उस ज़ात बे हमता को है, सरवरी जेबा फ़कत उस ज़ात बे हमता को है, हुक्मरा है एक वही बाकी बुताने आज़री। अल्लाह ताला हकीकी खालिक मालिक है और वो हकीकी वो चलाने वाला है, हर एक चीज़ को कंडक्ट करने वाला है, मुदब्बिर है। और सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुबहानहू व तआला ओनली, देर इज़ नो वन हु इज़ डिज़र्विंग सोवरेनिटी। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुबहानहू व तआला ओनली। तो उसके साथ औरों को एसोसिएट कर दिया और अल्लाह ताला ने उसके बाद अपनी सिफात को फर्दर एक्सफोलिएट करते हुए फरमाया कि उसने हर चीज़ को पैदा किया है, यानी तुम क्यों सिर्फ उसको प्रे करो, तुम सिर्फ उसकी इबादत क्यों करो, क्योंकि वो खालिक भी है, उसने हर चीज़ को पैदा किया है। और फ़क़द्दरहू तक़दीरा ये कहकर, तो किताब की किताब दर किताबें लिखी जाएँ तो इसकी तफसीर मुकम्मल ना हो। कदर माना अंदाज़ा करना होता है, अंदाज़ा उसका लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। तो फ़क़द्दरहू तक़दीरा, हर एक की तकदीर तय कर दी, हर एक के लिए अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया। इसमें कूजे में समंदर को समो दिया गया है, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ पैदा नहीं किया है अपनी मखलूकात को, कोई भी हो, इंसान हो, जिन हो, हैवानात हो, या ज़मीन हो, पहाड़ हो, आसमान हो, कुछ भी हो, इनको सिर्फ पैदा नहीं किया है, हर एक मखलूक के लिए उसकी तकदीर, उसका अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है। अब इस कदर में जो कह रहे हैं ना कूजे में समंदर समो दिया गया है, इस कदर में बहुत माना है, यानी उनको उनको जैसा जिस्म चाहिए था वैसा जिस्म दिया है, जैसी सख्त चाहिए थी वैसी सख्त दिया है, जिसको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड किया है, जिस तरह उन्हें हरकत करना था उस चीज़ का पाबंद किया है, जिस तरह उनकी फंक्शनिंग है जो ज़रूरत की उस तरह उनको बाउंड किया है कि वो उस तरह फंक्शन करें। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज को ले लीजिए, सूरज और चाँद को खुदा बनाए बैठे हो, हाँ, सूरज के अल्लाह ताला ने क्या तकदीर मुकद्दर की कि वो उसके लिए एक ऑर्बिट है, वो उसमें घूम रहा है,
ठीक है, अब जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, सो सूरज किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है उस पॉइंट को कहते हैं सोलर एपेक्स। सोलर एपेक्स अभी एक इमेजिनरी पॉइंट है, उसके अराउंड अपनी पूरी सोलर फैमिली के साथ चक्कर लगा रहा है। तो सूरज अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, टेक्स 25 डेज टू कंप्लीट द वन रोटेशन ऑफ सन, यू नो। तो 25 दिन में अपने एक्सिस पे घूमता है, फिर वो मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर एपेक्स नाम के पॉइंट के अराउंड चक्कर लगा रहा होता है। उसको उसके रब ने उसकी तकदीर मुकर्रर कर दी है, उसका अंदाज़ा कर दिया है। सूरज के अलावा चांद के लिए जो तकदीर मुकर्रर करनी थी उसकी कर दी, वो अपने फंक्शन कर रहा है। हाँ, इस तरह इंसान है, हैवान है, पहाड़ है, बादल है, सब के को उसके काम में लगा दिया है और उसकी रिक्वायरमेंट तक उनको पहुँचा दिया है। चाहे वो अमीबा हो, वो कैसे फीड करेगा, उसके फूड क्या है, वो उसने इस ज़मीन पर रख छोड़ा है। चाहे वो ब्लू वेल हो, उसका क्या फूड रहेगा और किस तरह वो ज़िंदा रहेगी, उसको की क्या ज़रूरियात है, उसकी बॉडी की साख कैसी होगी कि लाइफ उसकी इजी होगी, ये सारी चीज़ मिला के कहा जा रहा है फ़क़द्दरहू तकदीरा। न सिर्फ उसने पैदा किया है बल्कि उनको एक अंदाज़ा उनके लिए मुकर्रर कर दिया है, वो उस हिसाब से अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारा रब, तुम उसके साथ दूसरों को एसोसिएट करते हो। आयत नंबर 3 में फरमाया वत्तखज़ु मिन दूनी आलिहतल्ला यख़लुकूना शैयं वहुम युख़लकून, और उन्होंने उसके सिवा ऐसे माबूद बना लिए हैं जो कुछ भी तख्लीक नहीं करते बल्कि वो खुद मखलूक है। वला यमलिकुना लिअन्फुसिहिम दर्रं वला नफ़ं वला यमलिकुना मौतं वला हयातं वला नुशूरा, और वो इख्तियार नहीं रखते खुद अपने बारे में किसी भी नुकसान के और ना नफ़े के, और ना ही इख्तियार रखते हैं मौत का और ना ज़िंदगी का और ना दोबारा जी उठने का। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा फ़र्क है खालिक और मखलूक में। क्यों ह्यूमैनिटी कंफ्यूज हुई, क्यों ह्यूमैनिटी कंफ्यूज हुई? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन्होंने हमारे साथ जो एसोसिएट किए हैं पार्टनर्स, उनकी सिफत देखो, हम खालिक हैं और वो मखलूक हैं। उन्होंने वो जो मखलूक हैं वो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते। सूरज में कितनी अजीम शान सतह पर कहा गया था ना कि वो सब के सब मिलकर एक मक्खी भी, एक फ्लाई भी क्रिएट नहीं कर सकते। अरे फ्लाई क्रिएट करना तो बहुत दूर रहा, वो अगर फ्लाई उनसे एक एक पार्टिकल लेकर उड़ जाए तो उसको वापस भी नहीं ला सकते हैं। तो वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं बल्कि खुद क्रिएट किए गए हैं। ला यखलुकूना शैयं वहुम युखलकून, वो क्रिएट नहीं करते, वो क्रिएटेड हैं, वो क्रिएशन हैं, वो खुद क्रिएट किए गए हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है, क्या कन्फ्यूजन होना था। लेकिन ह्यूमैनिटी ने सबसे बड़ा जुल्म यही है कि उसने शिर्क किया कि वो तो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते, सारे के सारे मिलके एक मच्छर एक मक्खी नहीं बना सकते। आज भी टिश्यू कल्चर और बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आई एम अवेयर ऑफ इट। तो टिश्यू कल्चर में बेचारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाहे जितनी बड़ी डेवलप्ड कंट्री का कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, वो जब तक वो अल्लाह ताला का टिश्यू लेके आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कराएगा वो नहीं कर सकते ना। टिश्यू लिए बगैर नहीं ग्रो करा सकते ना, वो टिश्यू कल्चर करते हैं ना, टिश्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कोई एक सेल क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उनको नेचुरल चीज़ ही लेके आर्टिफिशियल मीडिया में बस उसे ग्रो कराते हैं फेवरेबल कंडीशन दे के, फिर उसे स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्रिएट थोड़ी नहीं किया, वो तो अल्लाह ताला की क्रिएटेड चीज़ से ही उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ बनाने की कोशिश की, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक चेंजेस करके और जो भी चाहते हैं वो करके। अपना पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी पर बेस्ड है और जेनेटिक्स इसी पर बेस्ड है कि वो किस तरह से जीन्स में इधर उधर भी कर लेते हैं, लेकिन वो नेचुरल सेल लिए बगैर, टिश्यू लिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई भी आज तक एक सेल क्रिएट नहीं कर पाया है, आउट ऑफ नथिंग एक सेल क्रिएट कर ले। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अरे वो तो खुद क्रिएट किए गए हैं, उनका क्रिएटर कोई और है, तो क्या हम आला को छोड़कर अदना से मांगे, जो कि दाउफत तालिब वल मतलूब वाली हालत हो जाए कि कितना कमज़ोर है तलब करने वाला और जिससे तलब किया जा रहा है।
फरमाया कि और वो अपने खुद के नफे नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखते, यानी ये जो जिनकी अल्लाह को छोड़कर इबादतें की जा रही हैं, चाहे वो वली हो, चाहे नबी हो, चाहे कोई जिन हो, चाहे फरिश्ता हो, अपने नफे नुकसान का उनको इख्तियार नहीं है। मतलब हम बहुत पॉजिटिव चीज़ें ही ले रहे हैं, अल्लाह के एक साथ जो शरीक किया गया, जो 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 अपने आप में बहुत बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं ना, लेकिन वो भी अपने खुद फ़ायदे और नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखते। तो फिर तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या नुकसान से बचाएंगे और तुम्हें क्या फ़ायदा देंगे? नो वे, इट्स इललॉजिकल। जब अपने नफे नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, अल्लाह की कदर जो भी होगी उनके ऊपर नाफिज हो जाएगी और वो अपने को बचा नहीं पाएंगे। अगर अल्लाह की तरफ से उनको नुकसान है और अल्लाह की तरफ से फ़ायदा है तो उसको और नहीं बढ़ा पाएंगे उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो फिर क्या उनसे क्या मांगना? फरमाया कि ना उनके पास मौत और ज़िंदगी का कोई इख्तियार है, यानी ना अपने से पैदा हो जाते हैं, ना अपने से वो अपनी डेथ मुकर्रर कर सकते हैं, और ना कोई मरे हुए को जिला के उठा सकते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह ही चाहे मौजज़ाना तौर से किसी को दे दे। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ इनके अंदर नहीं, और ये सारी क्वालिटीज़ और ये इख्तियारात अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास हैं। तो तुम कहाँ फिरे जाते हो, कहाँ पीर फकीर औलिया और मज़ारों पे सजदा किए देते हो? इनके अंदर भी कोई भी गैरुल्लाह तसव्वुर में ले आइए, खाली बुतों के को तसव्वुर में नहीं लाने की ज़रूरत है ना। मज़ारों के सामने भी अगर मांगा जा रहा है, दुआएं दी जा रही है, तो ज़रा देखें क्या वो खालिक हैं? नहीं, वो मखलूक हैं। क्या वो अपने भले बुरे का इख्तियार रखते थे? नहीं रखते थे। क्या वो मौत और ज़िंदगी का इख्तियार उनके हाथ में था, या किसी को दोबारा जिला देना या अपने ही खुद दोबारा जी के उठ जाना था? नहीं है। कहाँ फिरे जाते हो? आय नंबर 4, وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون, और काफिर कहते हैं ये कुरान बस एक मनगढ़ंत चीज़ है जिसको इस शख्स ने खुद गढ़ लिया है और उसकी मदद की है उस पर कुछ और लोगों ने। فقد جاءوا ظلما وزورا, ये लोग जुल्म और झूठ पर कमर बस्ता हो गए हैं। अब मुशरिकीन मक्का का ये बहुतान था मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को या तो इन्होंने खुद गढ़ लिया है या तो कहीं से सीख सिखा कर ये हमें सुना देते हैं। मतलब क्योंकि और लोगों ने इसकी मदद की है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, ये कुरान खुद गढ़ लिया है या कुछ हेल्पर्स हैं इसके पीछे इसको प्रोड्यूस करने में, कुछ लोगों ने हेल्प किया हुआ है? हाँ, तो ये कुरान मजीद देखिए, जिस टाइम पे ये कुरान नाजिल हुआ वो टाइम था लिटरेचर का। मानते हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, वो टाइम था लिटरेचर का, और ज़ुबान दानी जो थी वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती थी, और अरब अपने आप को मतलब गोया कहते थे, बाकी सबको अब तो गूंगा ही कहते थे ना, अजमी है, गूंगा है, मतलब खाली खुद ही ज़ुबानदान थे, बाकी सब जो है कोई को ज़ुबान ही नहीं आती थी। इतना फ़ख्र था। जब ये कुरान मजीद नाजिल हुआ है सबकी ज़ुबानें बंद हो गई कि वो ये कह सकें कि ये ऑर्डिनरी कलाम है, ये कहने की हिम्मत तो किसी में हुई नहीं। हैरान थी इंसानियत उस दौर की, जो बड़े बड़े वो सबा मौलकात के शुरा थे, तो वो सब कोई भी इस पाए का कलाम को भी किसी ने देखा ही सुना पड़ा नहीं था, किसी ने ऐसे अशार प्रोड्यूस ही नहीं किए थे कभी। तो ये तो वो नहीं कह सकते थे कि इसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा एक्चुअली ज़ुबानदान था। तो ये तो कभी नहीं कह सके। अब बेचारे मतलब क्यों कहना चाहिए कि गंवार लोग की क्या आर्ग्यूमेंट ले के आएँ, तो अपना बेस्ट ले के आते थे। अब अपना बेस्ट क्या ले के आएँ, नहीं इसने खुद गढ़ा है ये, और इसे कोई हेल्पर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्यों इनको ऐसा कहना पड़ा, क्योंकि मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि आपका आखिरी नबी जो उम्मी रहे,
वो ना कहीं से पढ़ सकता हो ना कभी कुछ लिख सकता हो ना। तो उनके दरमियान कहना भी था, वो उम्मी थे, सारे सारा शहर जानता था पूरा मक्का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। तो ये कह, इनके पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने हेल्प की है, तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किया है, इसका जवाब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया है, क्योंकि ये इतना सेंसलेस और बेसलेस एलिगेशन था कि कोई भी अक्लमंद इंसान इसको आसानी से रिजेक्ट कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत अहमियत के साथ इसका जवाब नहीं दिया है, बस इतने पे इक्तफा किया है कि ये लोग जुल्म और झूठ पर कमर बस्ता हो गए हैं। बल्कि जब इसकी गहराई में उतरो ना, तो दिल करता है कि कुछ यूं उसका जो जुल्म और जोर का झूठ का जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह किया जाए कि ये बौखला गए हैं, दिमाग से खाली हो गए हैं और हाँ बिल्कुल बौखलाहट में सेंसलेस बातें कर रहे हैं। तो एक जुल्म तो इनका ये था कि ये शिर्क कर रहे थे, और एक जुल्म ये भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये झूठ बांध रहे थे। तो ये जो झूठ है वो जुल्म और जोर, ये दोनों, ये तो एक चीज़ के लिए भी आ सकता है और दोनों अलग अलग चीज़ के लिए भी आ सकता है। जैसा कि हमने बताया कि जुल्म और जोर दोनों इसलिए भी कि ये इतनी मतलब सर फिरी बात कर रहे हैं और निरा झूठ गढ़ के ले आए हैं, और तो और अलग अलग करके कहें तो जुल्म बमाना शिर्क और जोर बमाना इनकार तकजीब कुरान हकीम की कलामुल्लाह की। इसको और वाजे करके इस आयत में रखा गया, आयत नंबर 5, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्तताबहा, और कहते हैं ये पुराने लोगों के किस्से हैं जो उसने किसी से लिखवा लिए हैं। फहियतुमला अलैहि बुकरतम व असीला, फिर ये इमला कराई जाती हैं उसको सुबह शाम। ये जालिम लोग कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बोतान लगाते थे कि ये पुराने लोगों के किस्से हैं। क्यों? कुरान मजीद में जो दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो स्टोरीज आईं और जो वो वाक़यात है जो एक्चुअली आसमानी कुतुब में ही हुआ करते थे, उसके पहले आसमानी कुतुब थी वो उनके पास नहीं थी, तो क्या तौरात थी तो सही, सराउंडिंग में इंजील थी तो सही, ठीक है। तो जो आसमानी कुतुब या स्क्रॉल्स सहीफे हुआ करते थे उनका जो अंदाज़ था वही इस किताब का भी अंदाज़ था। तो आप कह रहे हैं नहीं, पुराने लोगों की कहानियां हैं वही है जो इसने किसी से लिखवा लिया है। अब ये तो नहीं कह सकते ना लिख लिया है, क्योंकि पता था उम्मी है, और ये बात कोई भी नहीं मानेगा, सभी रद्द कर देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो किसी से लिखवा लिया है, एक ततबा आया है ना बाबे इफ्तियाल में, जिसको लिखवा लेना, लिखना नहीं लिखवा लेना, किसी और से लिखवा लेना। तो ये क्या कहा करते थे, कोई इनको इमला कर रहा है और ये लिखवा के उसको, और दोपहर को रात में लिखवाता है और दोपहर को पेश करता है। उसके मुताबिक कुछ लोगों के नाम भी इन लोग लिया करते थे, हालांकि बहुत सिली और सेंसलेस बात थी कि वो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। कुछ अहले किताब के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे जिनमें अद्दास है, यसार है और जबर है, ये तीन नाम वो अक्सर लिया करते थे कि इनसे उनके बड़े ताल्लुकात हैं मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये लोग इसको सिखाते पढ़ाते हैं। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार अखलाक और हिकमत को स्टडी करे कोई भी जिसके दिमाग में कोई किस्म की असबियत ना हो, साफ जहन इंसान, उसको स्टडी करे और ये जो ग़ुलामी के दाग झेल रहे लोग उनके किरदार को, जिस गुमनाम है जिनको दुनिया नहीं जानती है, उनको उनसे कंपेयर करें तो भी कितना क्लियर हो जाएगा कि कहीं कोई सवाल पैदा हो सकता है कि ऐसों से इतने हकीम शख्स ने इमला करा के अब लिखवा के पेश किया है। और अगर बहुत सारे लॉजिकल इसके आंसर्स हैं, अगर किसी से इन गुलामों से आज़ाद करदा इनसे लिखवाया है, तो उन लोग ये कलाम लेके खुद क्यों मंजरियाम पे नहीं आ गए, अपनी शान क्यों नहीं बढ़ा ली, गाय को मोहम्मद को पीछे से चुपचाप लिखा रहे हैं और पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, अपना नाम कहीं नहीं आने दे रहे हैं।
कितनी सिले चीज़ थी जो ये लोग कर रहे थे, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने इसको जस्ट मेंशन किया है और इसका जवाब कोई तफसील से नहीं दिया है, यानी इंतहा दर्जे के अक्ल से खाली इल्ज़ामात थे। आयत नंबर 6, قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, आप कह दीजिए कि इसको उसने नाजिल किया है जो आसमानों और ज़मीन की हर छुपी हुई चीज़ को जानता है। इन्नहु काना गफूरर रहीमा, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अब अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं कि ये तुम किधर की तरफ मंसूब कर रहे हो नाजिल करने का की बात, उसको तो उस ज़ात ने नाजिल किया है जो आसमान और ज़मीन के छुपे भेद को जानता है। यानी ये किताब उठा कर देख लो, कोई दुनिया का कोई भी इंसान और किसी भी दौर का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि ये किताब जिस जिस टॉपिक्स पर एड्रेस करती है वो सब का एक्सपर्ट हो और उसकी आखिरी सतह तक उसको इल्म हो। मान लीजिए लिटरेचर ही हो गई, तो ये ऐसा हाईएस्ट लिटरेचर है कि इंसानी जहन आजिज़ है कि इसको प्रोड्यूस करने से, खुला चैलेंज है कुरान का और कोई कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। 1450 साल हो गया, कोई कभी इस जैसी एक छोटी सूरा नहीं प्रोड्यूस कर पाया। यानी 1.5 लाइन की एक सूरा भी कोई प्रोड्यूस कर दे तो उसके कंपटीशन में वो आ सकता है, कर पाया? कोई नहीं कर पाया। साइंस की इतनी सारी ब्रांचेस, कल लिटरेचर के एरा था ना, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरा है। साइंस की जो आयात हैं, जितने सारे ब्रांचेस ऑफ साइंस आज बन चुकी हैं उनमें से बहुतों अक्सर जो है ब्रांचेस की आयात इसमें हैं। कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट है दुनिया का कि वो हर ब्रांच ऑफ साइंस को जाने और लिटरेचर को जाने, फिलोसफी को जाने, साइकोलॉजी को जाने और हर चीज़ अपनी इंतहा पर और बिल्कुल 100% करेक्ट वे में जाने और इस तरह की चीज़ को पेश कर सके? कोई है? कोई भी नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने आप को, यानी कुरान को भेजने वाला के साथ जो सिफात बयान की है वो यालमु सिर्र फिस समावाति वल अर्द, जो ज़मीन और आसमान की छुपी चीज़ों को जानने वाला है। यानी सिर्फ वो ही ज़ात है ना जो साइंस को, एक्चुअली साइंस इज़ द वर्क ऑफ गॉड, वो साइंस का और फिजिकल लॉज का और हर एक चीज़ का खुद खालिक है, तो वो जानता है छुपे हुए चीज़ों को। इंसानी फला बहबूद के लिए क्या चीज़ें अहम हैं, इसमें क्या कानून होना चाहिए, शरीयत क्या होना चाहिए, वो जानता है। हाँ, और जो जो हकायक इसके अंदर हैं वो जानता है, उसने भेजा है, उसने भेजा है। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इतना अच्छा होने के बावजूद भी साल में कई कई अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं। यानी इंसान जो कुछ भी कानून भी बनाता है तो कभी स्टेबल नहीं हो पाता, उसको बार बार अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ज़मीन और आसमान के भेदों को नहीं जानता है, वो फ्यूचर नहीं जानता है। हाँ, वो आगे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इस कानून को बनाने के क्या क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, फिर उसे चेंज करना पड़ेगा, वो पहले से नहीं जानता है। कौन जानता है? अल्लाह ताला, उसने कुरान को नाजिल किया है। हमें और आपको इसका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए ना कि हमारे पास कुरान है। मतलब आई थिंक कि सबसे ज़्यादा शुक्र इस बात पर बनता है कि हम लोग के पास कुरान है और ये क्राइटेरियन टू जज है, अलफुरकान है, जिससे हम सही गलत में फ़र्क पता लगा सकते हैं। अगर ये बस लाइफ से निकल जाए तो कुछ भी ना बचे, लाइफ गुमराही में भटकते रह जाए ना, तो कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि कुरान हमारे पास है और हम इस पर ईमान रखते हैं। इस याद में आगे कहा कि यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी तुम ऐसे ऐसे चैलेंजेस कर रहे हो, तुम इतने बड़े बड़े बहुतान सिली लगा रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें छोड़े हुआ है। बात ये नहीं है कि वो ज़मीन और आसमान का खालिक है, मालिक है, इख्तियारात सब उसके अंडर में हैं, बस तुम ही को नहीं वो पकड़ पा रहा है, तुम इतनी हरकतें कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए तुम्हें मोहलत दे रहा है क्योंकि बहुत गफूर और बहुत रहीम है। तुम चाहे जो हरकतें करते रह जाओ, तुम्हें उतनी मोहलत ज़रूर दिया जाएगा कि अपनी लाइफ को जहाँ जहाँ तक उसने सेट किया होती कंप्लीट कर लो, फ़ौरन तुम्हें नहीं पकड़ लिया जाएगा। आयत नंबर 7,
وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہو جاتا. اب دیکھیے کتنا ایک اور سلی آرگیومنٹ. وہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بتانے کے لیے, غلط بتانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کیسے رسول ہے, یہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے. مطلب کہ اچھا ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے تو کم از کم تھوڑا سا سپر ہوتے ہیں, اور لوگوں سے الگ ہوتے ہیں, ان کو کھانے وانے کی ضرورت نہ پڑتی. یا جیسے جیسے بزرگان دین کا تصور کتابوں میں پڑا ہے بہت جگہوں پر, ہم تفصیل میں نہیں جا رہے, کہ فلاں بزرگ ایک ہفتے میں ایک ہی بار کھانا کھاتے تھے, ان کو کھانے کی ہفتے بھر ضرورت نہیں رہتی تھی. اور فلاں وہ ایک بابا وہ ریت پہ لیٹے رہتے ہیں, نہ ان کو گرمی سے پریشانی ہوتی نہ بارش سے, وہ پورے سال ریت پہ لیٹے رہتے ہیں. تو یہ سب اسلام میں کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے. اللہ کے تمام انبیاء نے کھانا کھایا ہے, پانی پیا ہے, ہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ اسپیشل ہوتا ہمارے اور آپ کی طرح اس کھانے کا محتاج ہے, کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. مطلب اتنا, یا تو پھر اتنا بڑا کنگ جیسا ہوتا کہ اس کو دیکھنے کو ترستے لوگ, وہ ادھر ادھر اپنے آپ نظر نہ آ جایا کرتا بازاروں میں گھومتا ہوا. نگاہیں ترستی, ایسی شان ہوتی اس کی کہ لوگ دیکھنے کو ترستے, کبھی اس کو دیکھ پاتے. یہ تو بازاروں میں گھومتا رہتا ہے, یعنی کہیں بھی نظر آ جاتا ہے. اور یا تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ساتھ ساتھ لگا ہوتا اور جو ڈرانے والا ہوتا. مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ ایک کوڑا لیے ہوئے فرشتہ ساتھ میں ہوتا, دیکھو دیکھو لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی بات مانو, نہیں مانو گے تو ابھی ایک کوڑا لگے گا. ان کا تصورات اتنے سلی تھے. ریالٹی یہ نہیں ہے, ابھی آ جائے گا کہ ان کا مسئلہ جو ہے آخرت پہ ایمان نہ لانے کا تھا. یہ آرگیومنٹس اپنی دماغی سطح سے بیسٹ آرگیومنٹ لے کے آتے تھے جھوٹ لانے کے لیے. بات یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں ایک فرشتہ کر دیا جائے تو ابھی ایمان لے آئیں گے, بات یہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی جھوٹ لانے کا کوئی ریزن دینا رہتا تھا نا انہیں سماج میں آ کے, تو شام کو میٹنگز ہوا کرتی تھی اور دن میں آ کے سب کے بیچ کہا جاتا تھا ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہوا, ویسا کیوں نہیں ہوا. مکہ اور طائف میں سے کوئی بڑا جو ہے امیر اور مالدار انسان کیوں اللہ نے نہیں چنا رسول بنا کے, ہاں. یہ یتیم جو پیدائشی یتیم ہیں, اور یہ جو جب بیچارہ بزنس کے لیے یہاں وہاں شام کی طرف گھومتا رہتا تھا, وہ اللہ کا نبی بنا دیا گیا. تو یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے, ورنہ نبی کا اخلاق کردار اور ساری سچائی اس کی ان کے سامنے تھی. بس وہ آخرت پہ ہمیں جواب دینا ہوگا, اس بات سے بالکل بالکل راضی نہیں تھے کہ یہ بات مان لے. آئی نمبر 8, او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا, یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا پیتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور ان ظالموں نے تو یہاں تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو. اب ایک اور تصور دلا رہے ہیں لوگوں کو, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہی اتار دیا گیا ہوتا. مطلب ٹھیک ہے, پوری دنیا اور کائنات کے رب کا رسول ہے تو اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ٹریجر ہوتا, اتنا خزانہ ہوتا اس کے پاس, جیسے آج کل کے معاذ اللہ, اللہ معاف کرے کہ نبی کو ان سے کمپیئر کریں, آج کے بابا لوگ اتنا خزانہ جو ہے اپنے بیسمنٹ میں جمع کیے رہتے ہیں کلو کے حساب سے سونا چاندی. ہاں, تو یہ سونے چاندی سے تول رہے تھے کہ وہ خاص ہوتا تو ایسا اس کے پاس کوئی ٹریجر ہوتا, کوئی خزانہ ہی ہوتا اس کے ساتھ, اور یا تو کوئی ایکسٹراڈینری باغ ہوتا اس کے پاس. وہ باغ کے پھل کھاتا بیٹھ کے عیش سے, اس کو تو بازار میں جا کے کمانا پڑتا ہے, اور اپنی مطلب دو وقت کی روٹی مہیا نہیں رہتی, اس کو بھوکا بھی رہتا ہے. تو یہ ایسا اس کو بہت سارا باغ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ سحر زدہ ہے. یعنی قرآن حکیم میں جو اٹریکشن تھا
वो किसी से पोशीदा नहीं था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पेश करते थे तो मतलब इंसान की रूह तक पहुंचकर उसे फील होता था कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलाम है। इसी बात से डरते थे मुशरिकीन अरब कि कोई नया आएगा तो सुन ये कलाम सुनेगा तो फिर वो बिल्कुल मतलब ईमान ना ले आए, इनके ग्रुप में शामिल ना हो जाए। तो इस वजह से फिर एक दिन प्लान सेट करके आते, इसको मशहूर कहेंगे कि इसके ऊपर जादू हो गया है, बेचारा इस सहरज़दा है। सहरज़दा कई तरह से ये कहते थे, या तो किसी ने जादू टोना कर दिया है तो बिल्कुल सहरज़दा है, मतलब बात जो है वो तुक्की नहीं करता, ये भी तसव्वुर था उनका। या तो सहरज़दा होने का उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि कोई देवी देवता को बुरा कह दो तो उनकी मार पड़ जाए तो वो बहका बहका हो जाए इंसान, तो उसको भी ऐसे ही बोलते थे सहरज़दा। तो ये भी कहते थे कि हमारे देवी देवता को बुरा कहा करता है ना, उसमें से किसी की मार पड़ी है माशाल्लाह। तो इस वजह से ये ऐसी ऐसी बातें करने लगा है ऐसे जालिम की, कभी सहरज़दा कह रहे हैं और कभी प्लान सेट करके आके उसका बिल्कुल कंट्रास्ट कर रहे हैं, ये जादूगर है, ये खुद जादू करता है। अब जादू करने वाले और जिसके ऊपर जादू किया जाए कितना बड़ा डिफरेंस होता है, जादूगर कितना चालाक होता है, हयार होता है, जिसके ऊपर जादू किया जाए वो खपती हो जाता है, कितना फर्क होता है दोनों में। तो जब बात सच नहीं रहती ना तो उसमें कोई कयाम और दवाम नहीं रहता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, कितनी अजीब बातें। और अफसोस के साथ कि आज के मुश्तशरिकीन जो हैं ओरिएंटलिस्ट हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, वो तो और बेहया किस्म के इंसान हैं कि वो बिल्कुल साफ कह देते हैं ये दूसरों से सीखा हुआ, सिखाया हुआ और लिखा हुआ है। अब ये लोग तो कम अज़ कम ये नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये जो कुरान मजीद है और वो जानते थे वो उम्मीद है, और कुरान मजीद किसी और का मतलब ख़ुद से लिख के नहीं ला सकते हैं, तो किसी ने हेल्प की है, किसी से लिखवा लिया ये सब। लेकिन आज के मुश्तशरिकीन और बेहया हैं और बुरी बातें हमारे नबी की तरफ मंसूब करते हैं कि माज़ल्ला कि मोहम्मद इतने चालाक थे, इतने अय्यार थे कि उन्होंने इतने शातिर दिमाग से ये सब सारी चीज़ लिख कर लोगों को अपने अपने अराउंड अपना गर्वीदा कर लिया। तो ऐसे ऐसे मेरे नबी को जहमतें झेलनी पड़ी हैं, तकलीफ़ें। हम और आप राय खुदा में निकलते हैं, एक ज़रा सी परेशानी हो जाती है, एक छोटा सा इल्ज़ाम आ जाता है, ये बहुत बड़े हैं। ज़रा सोचिए कि क्या जादू का मारा है, हर तरफ ये फैला दिया जाए दो हफ्ते के लिए ये जादू की मारी है, कैसा फील करने जा रहे हैं हम लोग पे इतना छोटा सा इल्ज़ाम आ जाता है, बिल्कुल आप इसे बाहर जाते हैं, सह नहीं पाते हैं। कुर्बान जाइए अपने नबी पर जिसकी ज़ुबान से कभी झूठ ना निकला हो और कभी बहकी बातें ना किया हो, हम उसकी अक्ल हिकमत और शराफत हर चीज़ का जिन लोगों ने लोहा माना हो वही लोग मिलके कहने लगे जब अल्लाह का कलाम पेश कर रहे हैं तो यह जादूगर है, जादू कमा रहा है, तो ये शायर है, तो काहिन है, सब कुछ कहा गया, मगर मेरे नबी ने उसको बर्दाश्त किया। आय नंबर 9, انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا। देखिए ये आपके लिए कैसी कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं, ये तो लोग गुमराह हो गए, अब ये सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। अल्लाह सुबहानहू व तआला जब ये कहे तो कैसा मरहम लग ही जाएगा नबी के जख्मों पर कि मेरा रब जब साथ है तो फिर किसकी परवाह है। हाँ, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो कैसे सर पिरा हैं सब के सब, कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, अक्ल की बात करते, चलो तुमने शाम को मीटिंग्स की थी तो कोई अक्ल की बात लेकर आए होते तो समझ में आता, मतलब तुम इतने बौखला गए हो कि अपनी ही बातों का काउंटर अगले हफ्ते अगले दो हफ्ते के बाद लेकर आ जाते हो। कभी ज़ाहिर कहोगे, कभी मशहूर कहोगे, कभी दीवाना कहोगे, कभी शायर कहोगे, कभी काहिन कहोगे, और ऐसी चाइल्डिश डिमांड्स करोगे
कि फरिश्ता क्यों साथ साथ नहीं चलता, खजाना क्यों नहीं है, सोने का चांदी का घर क्यों नहीं है आपका, ये ऐसे चाइल्डिश डिमांड करोगे। उसने क्या कहा है तुमसे, उसने तुमको हक की तरफ बुलाया, तुम कह रहे हो फरिश्ता साथ में क्यों नहीं है, उसने तुम्हें आखिरत और उसकी जवाबदेही से डराया है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सोने चांदी का घर क्यों नहीं है, तुम्हारे बाग क्यों नहीं है, कैसी मतलब ये देखने में कितना साफ पता चल रहा है कि जो दाई है रसूल जो पुकार रहा है वो कैसी पाकीज़ा दावत दे रहा है और कितनी अच्छी बातें और कितने जो जो उसकी कौम है उससे कितनी मोहब्बत और कितनी फिक्र वाली बातें कर रहे हैं और जो डिमांड्स आ रही हैं वो कितनी सिली आ रही हैं और कितनी अक्ल से खाली आ रही हैं और कोई का रिलेशन नहीं आपस में। वो बात क्या कह रहा और तुम बात क्या कह रहे हो, अरे जो बात वो कह रहा है उसको संजीदगी से सुनो, समझो, गौर करो, उस बात का जवाब दो। ठीक है तुम पूछो कि अल्लाह ताला कैसे जिला देगा, हम मर गए चूरा चूरा हो गए तो हमको कैसे जिला के उठा देगा, ज़रा हमें बताइए, हम समझ जाएं तो ईमान ले आए तो अल्लाह की कुदरत का बयान करेगा ना भाई और बता देगा। लेकिन तुम्हारा तो मसला ही ये नहीं है कि बात को समझना चाह रहे हो, तुम्हारा मसला तो ये है कि किसी तरह इनकार करना है, इनकार करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स ले ले कर आना है, चाहे वो इतने सिली आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना हो। इतने बड़े बड़े नामवर लोग हैं, अबू जहल है और उमैया बिन खल्फ है और इतने पुराने उस वक्त तो अबू सुफियान भी थे, तो इतने शहर में मारूफ लोग और बड़े अपने को ठाकुर समझने वाले लोग और कैसे सिली सिली प्लान सेट करके आ रहे हैं जिसमें ज़रा भी अक्ल नज़र नहीं आती और ज़रा भी फिक्र नज़र नहीं आती, जो बात कही जा रही उसका जवाब नहीं है, वो कुछ और ही बेसर पैर की बात कर रहे हैं। तो हमारा नबी हमेशा ही इनसे दरगुजरी करता रहा है और इनकी लास्ट में मोमिनों की जो जो सिफात बयान की जाएगी ना उसमें कह दिया जाएगा ना कि जब वो उनका गुजर लग्व से होता है तो कौल सलाम व सलाम कह के गुजर जाते हैं, तो ये भी जब अनाप शनाप बकते थे तो ना मेरा नबी निकाल ही जाता था उनके पास से इंसानियत और शराफत के साथ। तो ऐसे ऐसे सितम बालाए सितम किए गए हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ये अल्लाह ताला एक एक शफीक उस्ताद की तरह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा शफ़क़त भरी आयात नाजिल करते रहे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम दूर हो जाता। और मक्की सूरह है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी एट दैट टाइम जब वह लाइव थी और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जाता और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बताते तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जवाब होता, या रसूलुल्लाह कभी कोई ऐसा रसूल भी आया है जिसको कुफार की तरफ से तमस्खुर ना किया गया हो और तकज़ीब ना की गई हो, ये कहना होता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम दूर हो जाता। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में वो सारी चीज़ें दर्ज कर दी जो क़ियामत तक पढ़ी जाएंगी, जो मेरे नबी की शान बयान करती रहेंगी और मुशरिकीन की हरकतों को वाजे करती रहेंगी कि क्या क्या नहीं सहना पड़ा और कम से कम दायान इस्लाम के लिए वो नमूना बनेंगी कि कैसी भी तकालीफ हो लेकिन साबित कदम रहना है और जब राह हक पर निकलेंगे तो तकालीफ आएंगी, बोहतान लगेंगे और बहुत कुछ होगा, इन सब को सह कर ही हक बात दूसरों तक पहुंचाने का काम करते रहना है। बस एक रुको मुकम्मल हुआ आज के लिए इतना ही, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को इस कुरान अलफुरक़ान को पढ़ने समझने गौर व फ़िक्र करने अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान हकीम के ज़रिए हमारी दुनिया और आखरत दोनों सवारे, हमको हम कुरान मजीद को अपना हिदायत का मंबर सर चश्मा समझे और अपना हादी और रहनुमा समझे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की पूरी पूरी कोशिश करें। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।